हर हर महादेव, मेरे बच्चों बरगद एक ऐसा वृक्ष है जो कि पूजनीय है। हिंदू धर्म के लोग बरगद की पूजा विधि विधान पूर्वक करते हैं। बरगद के पेड़ में ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और शिव का वास होता है, लेकिन हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार कहा गया है कि बरगद के पेड़ में खासकर ब्रह्मा जी, श्री हरि और भगवान शिव निवास करते हैं। प्रकृति के अनुसार ऐसा कहा गया है कि बरगद के पेड़ की उम्र सबसे ज्यादा होती है। बरगद के पेड़ को अक्षय वट भी कहा जाता है। बरगद का पेड़ एक ऐसा वृक्ष है जो धार्मिक पूजा पाठ के अलावा आयुर्वेद रूप में भी प्रयोग की जाती है। बरगद के पेड़ की पत्ती, जड़ इत्यादि चीजें कई प्रकार की औषधियों को बनाने के लिए प्रयोग की जाती हैं। वैसे तो हर एक व्यक्ति के जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती हैं, तो वह सभी व्यक्ति इस विचार को अपने मन कि आखिर इन सभी समस्याओं का निवारण कैसे किया जाए, उसी में कुछ लोग धार्मिक कार्य एवं टोटके तथा तंत्र मंत्र आदि चीजों के द्वारा समस्याओं का निवारण करने की कोशिश करते हैं और ऐसे में उन्हें इन समस्याओं का निवारण भी प्राप्त हो जाता है। एक प्रकार से देखा जाए तो अगर आपको कोई भी दवा फायदे नहीं पहुंचा रही है तो निश्चित है आपको धार्मिक कार्य करने की आवश्यकता है। टोटके तंत्र मंत्र आदि आज के समय में बहुत ही पावरफुल चीजें हैं। इनका प्रयोग करने से विश्व की संपूर्ण समस्याओं का निवारण किया जा सकता है। तो चलिए आज हम आप लोगों को उन्हीं समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए कुछ ऐसे टोटके बताएंगे जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं। अगर हम आपसे बरगद के पेड़ के टोटके के बारे में बात करें तो इस वृक्ष को वटवृक्ष भी कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बरगद के पेड़ की शाखाओं में देवी देवता वास करते हैं। ऐसे में कोई भी व्यक्ति बरगद के पेड़ के चमत्कारी टोटके जानना चाहता है तो उसे इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, तभी उसे इस विषय के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो पाएगी। बरगद का वृक्ष एक विशाल और अधिक समय तक जीने वाला वृक्ष है। बरगद के पेड़ के नीचे विशाल छाया रहती है, इसे एक छायादार पेड़ माना जाता है। बरगद के पेड़ की शाखाएं लंबी और बहुत ही मजबूत होती हैं। हिंदू धर्म के लोग इस पेड़ की पूजा बहुत ही विधि विधान पूर्वक करते हैं। बरगद एक स्थलीय पौधा है, इसका तना सीधा और परम कठोर होता है। बरगद का पेड़ बहुत ही शक्तिशाली है। इस पेड़ की दूर दूर तक मान्यता है, एक खास दिन इस पेड़ की पूजा भी की जाती है। तो चलिए आज हम आप लोगों को बरगद के पेड़ के कुछ ऐसे चमत्कारी टोटके बताएंगे जिनको करने से आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन बच्चों, जानने से पहले कमेंट में अपने इष्ट देव की जय जरूर बोले, क्योंकि आपकी सुख समृद्धि में इष्ट देव का आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है। व्यवसाय प्राप्ति टोटका। कई बार व्यक्तियों के साथ ऐसा होता है कि वह कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी उन्हें उसका कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति का व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा है, व्यवसाय में भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, वैसे मैं आपको बरगद के पेड़ का ऐसा चमत्कारी टोटका करना चाहिए जो आपके व्यवसाय को बढ़ाने में आपकी मदद कर सके। तो आइए जानते हैं कि वह टोटका कौन सा है। टोटके को करने के लिए आपको इन चीजों की आवश्यकता है, जैसे कि चंदन व हल्दी। इन चीजों को लेने के बाद अब आपको वहां टोटका शुरू करना है। टोटका शुरू करने के लिए शनिवार का दिन निश्चित करना है। उसके बाद शनिवार के दिन बरगद के पेड़ के नीचे जाकर पेड़ को चंदन और हल्दी अर्पित करें। ये टोटका आपका बंधन दूर कर देगा, आपका व्यवसाय दोबारा सही तरीके से चलने लगेगा। धन की प्राप्ति का टोटका। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति धन की प्राप्ति करना चाहता है क्योंकि उसके घर में धन की कमी है और वह इस बात से बहुत ही ज्यादा परेशान है, तो आज उसकी परेशानी का इलाज मिलने वाला है, क्योंकि आज उसे हम बरगद के पेड़ का एक ऐसा टोटका देने वाले हैं कि वह पूरी तरह से धन से परिपूर्ण हो जाएगा। इस टोटके को करने के लिए कुछ सामग्री की आवश्यकता होगी, जैसे कि हल्दी का पेस्ट और एक साबुत, बरगद का पत्ता। तो चलिए अब हम वह टोटका शुरू करते हैं। टोटके को करने के लिए आपको एक दिन निश्चित करना होगा, जैसे कि शुक्रवार का दिन। शुक्रवार के दिन आपको बरगद का एक साबुत पत्ता लेना है और उस पत्ते पर हल्दी के पेस्ट से स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। उसके पश्चात प्रतिदिन उस पत्ते की पूजा करनी है। आप चाहे तो उस पत्ते को मंदिर में ही रखा रहने दे। इसके अलावा आप उस पत्ते को पूजा घर पैसे की जगह पर रख सकते हैं, और जब आपका वह पत्ता खराब हो जाए तो आप उसे किसी बहते हुए जल में प्रवाह कर दें और दूसरा पत्ता बनाकर फिर से उसी जगह पर रख दें।
बच्चों, अगर आपको कोई और भी समस्या है तो हमें कमेंट करके बताओ, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और इस तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए।